उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के दूसरे शपथ ग्रहण से पहले ही कानून का डंडा गुंडे माफिया और कानून से खिलवाड़ करने वालों पर चलने लगा है। बुलडोजर की कार्यवाही के साथ साथ उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो नियमों की परवाह नहीं करते। औरैया जिले में पुलिस ने 3 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो एक ही बाइक पर सवार थे और इस बाइक पर नंबर प्लेट की जगह लिखा था बोल देना पाल साहब आए थे। पुलिस की नजर पड़ी इस बाइक पर और इन तीनों युवकों को हवालात पहुंचा दिया गया। इस घटना को यूपी पुलिस ने ट्वीट करके ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए वो नंबर प्लेट है जिस पे लिखा था बोल देना पाल साहब आए थे। इस बाइक पर इन तीन युवकों पर जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस की नजर पड़ी इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और हवालात भेज दिया गया। और अब ये संदेश दे रही है उत्तर प्रदेश पुलिस इस ट्वीट के जरिए कि कोई भी हो पाल साहब हो या कोई भी साहब हो अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे तो आपकी जगह हवालात में है सड़कों पर नहीं। तो डायलॉग तो इस तरह लिखा था जैसे लिखा हो बोल देना गब्बर आया था। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में कह दिया था कि यूपी में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं। बीता चुनाव भी बीजेपी इसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़कर जीती और अब विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही प्रदेश में इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। चलिए आपको ये खबर हम दिखाते हैं और खबर दिखाते हैं आपको। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया अपराधी लुटेरे ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय करने क्या होना है। सत्ता का संचालन करते थे ये सभी जेल के अंदर हैं और जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। अंतर्राज्यीय चैन स्नेचर है। करीब 20 घटनाएं कई थानों में इनके द्वारा कारित की गई हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर फायर किया जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। सर मुझे माफ कर दीजिए मैं बहुत डर गया हूँ और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे बहुत डर गया हूँ सर मुझे माफ कर दीजिए आप सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। जान बचाने का खौफ कहिए अपराधियों के मन में सरकार के नाम की दहशत कह लीजिए या फिर यूपी में कानून का कसा हुआ पंजा मान लीजिए। जो भी है यूपी की सियासी पिक्चर की हकीकत फिलहाल यही है। जो कानून को तोड़े वो गलत और जो कानून की माने वो ही सही है। देख लो पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया ये अपराधी पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ यूपी की जिस नई तस्वीर का जिक्र कर रहे थे उसी की मिसाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। ये गोंडा के छपिया थाने की तस्वीर है जहां अपराध के मामले में वांटेड अपराधी गौतम सिंह हाथ में तख्ती लेकर पहुंचा जिसमें लिखा है मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं मुझे गोली मत मारो। देख लो पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। सर मुझे माफ कर दीजिए मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे बहुत डर गया हूं सर मुझे माफ कर दीजिए आप सपोर्ट कर रहा हूं मैं गोली मुझे मत मारिए सर। कहां
गौतम सिंह पर गल्ला व्यापारी के अपहरण का आरोप है और वो अपने इस गुनाह का कबूलनामा भी कर रहा है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाए थे सर। कहाँ से? बबनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम। तुम इतना कैसे डर गए? गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मारने। डर इस बात का था कि सरेंडर नहीं किया तो गोली मार दी जाएगी, और ये डर पूरे यूपी में आग की तरह क्यों फैला है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट पहने एक शख्स को दो पुलिस वाले सहारे से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहारा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इसके पैर से खून निकल रहा है, और खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि पुलिस की मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी। दावा भी ऐसा ही है कि योगी राज में अपराधी कराह उठेंगे और अपराध को दौड़ने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। दरअसल गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश कमर उर्फ कल्लू के साथ मुठभेड़ के बाद ये तस्वीरें सामने आई। पुलिस के मुताबिक बदमाश कल्लू हरियाणा, राजस्थान समेत यूपी के अलग अलग इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुका है। कमल उर्फ कल्लू जो अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर है, इसको इंदिरापुरम पुलिस ने इसके साथी के साथ पकड़ा था। पूछताछ में इसने अपने एक और साथी का नाम बताया था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ जा रहा था। इंदिरापुरम क्षेत्र में ही 5-6 की पुलिया के बीच में किसी बहाने से ये नीचे उतरा और सिपाही की रिवाल्वर लेके भागने का प्रयास किया और जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर भी किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। 2022 की चुनावी रैलियों में भी योगी आदित्यनाथ ये बताना बिल्कुल नहीं भूले थे कि बीजेपी सत्ता में वापस आई तो जो अपराधी दहशत की दुकान चलाते थे वो योगी राज में थर थर कांपते हैं। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। जो अपराधी खोप और दहशत का एक माहौल बनाते थे, आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत ने आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। और देखिए यूपी विधानसभा के चुनाव नतीजे आते ही यूपी के सहारनपुर से क्या तस्वीरें आई है। तस्वीर में चार लोग हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं, बीच में एक महिला है। दरअसल ये चारों भाई हैं और महिला इनकी माँ है। चारों भाई शराब की तस्करी का धंधा कर रहे थे। सोमवार दोपहर को चारों भाइयों ने अपराध और शराब के धंधे से तौबा की और माफी मांगते हुए कहा कि वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालेंगे। तस्वीरों में जो होता दिखाई दे रहा है उसी बात को गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में दोहरा रहे थे और आंकड़ों के दम पर दोहरा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर चले गए। 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। अमित शाह ने कहा था कि वो डेटा लेकर आए हैं, इसलिए डेटा से ही समझते हैं कि वाकई यूपी में अपराध कम हुआ है, इसे क्राइम रेट से समझते हैं। क्राइम रेट यानी 1,00,000 की आबादी पर कितना अपराध हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2016 में यूपी में हत्या का क्राइम रेट 2.2 था, जो 4 साल बाद 2020 में घटकर 1.7 हो गया, यानी हत्या के मामलों में 23% की कमी आ गई। ठीक इसी तरह 2016 में यूपी में बलात्कार का क्राइम रेट 4.6% था, जो 4 साल बाद साल 2020 में घटकर 2.5% हो गया, यानी 4 साल में बलात्कार की घटनाओं में करीब 40% की कमी आई है। जबकि 2016 में अपहरण का क्राइम रेट
7.3 है, जबकि 4 साल बाद 2020 में ये घटकर 5.6 हो गया। यानी योगी राज में अपहरण के मामलों में 23% की कमी आई है। योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते ना कि हमें बंद कर दो, वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। ये बातें यूं ही नहीं कही गई थी, गुंडों में फैली दहशत के दावे यूं ही नहीं हुए थे। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर शामली के कैराना की तस्वीर है। तारीख थी 23 सितंबर 2021, जब दो बदमाश थाने में सरेंडर करने पहुंचे थे। योगी सरकार वन हो या फिर योगी राज टू, तस्वीरों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। ताजा तस्वीर सहारनपुर के चिलखाना थाने से आई है, जहां संगीन मामलों में जेल में जा चुके हिस्ट्री शीटर थानों में लाइन लगाकर हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं। देख लो, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। ये तस्वीर कितनी आदर्श है कि अपराधी थाने आकर हाजिरी लगवाएं और फिर कभी अपराध ना करने की कसम भी खाएं। और अभी तो योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ नहीं ली है, यानी एक्शन शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही अपराधियों की हवा टाइट है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मथुरा में श्रीकांत शर्मा ने जमकर होली खेली। अपने समर्थकों के साथ श्रीकांत शर्मा झूमते और गाते नजर आए। श्रीकांत शर्मा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे और सूत्रों की अगर माने तो दूसरे कार्यकाल में भी उन्हें मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना है। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर आए श्रीकांत शर्मा ने मथुरा से बड़ी जीत हासिल की है। नई सरकार में नई जिम्मेदारी संभालने से पहले आज वो होली का जश्न मनाने में जुटे हैं। ये तस्वीरें मथुरा में जीत की होली मना रहे श्रीकांत शर्मा की। रूस ने मारियूपोल में एक ड्रामा थिएटर और एक स्विमिंग पूल नेपट्यून पर हवाई बमबारी की। इन दोनों जगहों पर 1000 से ज्यादा आम नागरिक शरण लिए हुए थे, जिनमें से 80% बच्चे और औरतें थीं। इस बमबारी में कितने लोग हताहत हुए ये अभी तक साफ नहीं है। मारियूपोल ब्लैक सी से लगता हुआ वो बंदरगाह है
बंदरगाह का शहर है जिस पर कब्जा कर रूस क्रीमिया और दोनेत्स्क को जोड़ देगा। इससे युद्ध के लिए उसे एक मजबूत सप्लाई लाइन मिल जाएगी। यूक्रेन ब्लैक सी से कट जाएगा और यही वजह है कि यूक्रेन के किसी भी दूसरे शहर से कहीं ज़्यादा बमबारी यहाँ हो रही है। मारियोपोल के अलावा रूस को ब्लैक सी से यूक्रेन को काटने के लिए ओडेसा पर भी कब्जा करना होगा। ओडेसा और मारियोपोल दो बंदरगाह वाले शहर हैं और यहाँ पर यूक्रेन इन बंदरगाहों के जरिए व्यापार भी करता है और अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा भी करता है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ रूस के हवाई हमले में करीब 2,500 लोग मारे जा चुके हैं। पूरा शहर शमशान में तब्दील हो चुका है। शहर में बिजली, पानी, खाने पीने की भारी किल्लत है और इस सब के बीच -5.5 डिग्री की ठंड में 3.5 लाख लोग अपनी ज़िंदगी की सलामती के लिए बंकरों में छिपे हुए थे और इन्हीं बंकरों पर ड्रामा थिएटर नेपट्यून को निशाने पर लिया रूसी सेना ने। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।